भागलपुर में बीते तड़के सुबह करीब से 5 बजे 0 माइल हवाई अड्डा के पास एक ई रिक्शा और एक 18 वर्ष की लड़की जो साइकिल पर सवार थी दोनों में आमने सामने में टक्कर हो गई और 18 वर्षीय साइकिल सवार अंजलि का एक्सीडेंट हो गई थी। उसी बाबत आज युवाओं ने हजारों की संख्या में एकजुट होकर प्रशासनिक महकमे एवं यातायात पुलिस के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन एवं कैंडल मार्च। इस कैंडल मार्च में अंजलि के बूढ़े पिताजी, बूढ़ी माँ और 2 भाई और 2 बहन रोते बिलखते नजर आए। उनसे पूछा गया तो उनका कहना हुआ, अंजलि बहुत होनहार लड़की थी, उसके बदले में किसी न किसी को नौकरी दी जाए, साथ ही साथ 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ पोस्टमार्टम ही सही रिपोर्ट दी जाए। वह पूरा परिवार रोता विलखता दिख रहा था। युवाओं ने 0 माइल के चारों ओर चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। तभी तिलकामांझी थाना से थानेदार व 0 माइल थानेदार ने परिजन को समझाने की कोशिश की, नहीं मानने पर एएसपी को पीड़ित परिवार के पास आना पड़ा और उनसे जाम छुड़ाने की विनती करते देखा गया। साथ ही पीड़िता की जो मांग है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, ऐसा कहा भागलपुर एएसपी ने। बीते दिनों की यह घटना काफी दिल को झकझोर देने वाली घटना थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि जब अंजलि का टोटो से एक्सीडेंट हुआ और उस टोटो में फंस कर वह करीब 100 मीटर घसीटते हुए आगे गई, अंजलि की स्थिति तब तक में काफी गंभीर हो चुकी थी। फिर टोटो वाला रुका और उस लड़की को देखा कि वह हिल डोले नहीं रही है, तो फिर उसे कपड़े से बांधकर टोटो में रखकर कहीं फेंकने जाने लगा था। तभी वहां के कुछ लोगों ने यह नजारा देखा और तुरंत पुलिस को इत्तला किया गया था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और टोटो वाले को अपने गिरफ्त में किया था। साथ ही साथ पुलिस अंजलि को मायागंज अस्पताल ले गई, लेकिन अंजलि अपनी जीवन लीला वहीं पर समाप्त कर चुकी थी। उसकी बहन रचना का कहना है कि मेरी बहन के साथ कोई साजिश रची गई है और उसे मौत के घाट उतारा गया है। ई रिक्शा से धक्का लगने से कोई इतना जल्दी कैसे मर सकता है, किसी न किसी की साजिश है। बताते चले कि उसकी बहन आर्मी का फॉर्म भरी थी, महज ही 5 दिन बाद उसकी परीक्षा भी थी। अंजलि के पिता मनोज शर्मा जो कारपेंटर का काम करते हैं, साथ ही साथ अंजलि 3 बहन में सबसे छोटी थी, उसके साथ 2 भाई भी हैं। परिवार में शोक का माहौल है, सबों का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चले अंजलि कछुआ चौक रानी तलाव 0 माइल माउंट असीसी स्कूल के पास की रहने वाली थी। वह सबौर कॉलेज सबौर में जूलॉजी पार्ट 1 की छात्रा थी। उसकी बहन रचना बार बार कहते थक नहीं रही है कि उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत हुई है, किसी ने मेरी बहन का एक्सीडेंट कराया है। सूत्रों की माने तो अंजलि प्रत्येक दिन सुबह हवाई अड्डा साइकिल से जाया करती थी और वहां जाकर दौड़ का अभ्यास किया करती थी। आज का दिन शायद अंजलि व अंजलि के परिवार के लिए बहुत ही काला दिन था। भागलपुर सिटी से ब्यूरो चीफ नीलांबुज कुमार झा की रिपोर्ट। क्या मांग है आप लोग? हम लोग मांग है कि जो मुआवजा सरकार को होता है। मेरी बेटी नौकरी करती, कितना कमाती हो। आज मेरी बेटी नहीं रही बीच में, तैयारी कर रही थी, मैंने भी की। मुआवजा चाहिए, एक नौकरी चाहिए सरकारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया? नहीं, अभी नहीं आया है। क्या बोला गया पुलिस प्रशासन द्वारा? उन्होंने बोला कि हम ड्राइवर कस्टडी ले लिए हैं, उसको जेल भेज दें, लेकिन हमको कोई प्रूफ नहीं दिया कि जेल भेजा कि नहीं भेजा। ड्राइवर को पकड़ लिया है? हाँ, पकड़ लिया था, लेकिन ये कहाँ रखा ये पता नहीं है। आज कोतवाली थाना जब गए वहाँ यातायात तो बताया कि हम भेज दिए जेल उसको, लेकिन अभी तक कोई उसका हमको सबूत नहीं मिला। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग शांति से, हम लोग ये चाहते हैं कि डिमांड मेरा पूरा करे आकर के जो पदाधिकारी है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.